हेलो फ्रेंड्स, आज हम पांचवी कक्षा हिंदी विषय की अमीर खुसरो की पहेलियाँ ये पाठ देखने वाले हैं। तो अमीर खुसरो, आपने ये नाम सुना होगा। अगर आप उनकी तस्वीर देखना चाहेंगे तो ये है अमीर खुसरो। इनका जन्म 1253 पटियाली काशगंज दिल्ली में हुआ। अभी वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो उन्होंने कई प्रकार की गज़लें, कव्वालियाँ, तराने और बहुत से साहित्य लिखे हैं। तो वो एक सूफी सिंगर थे, शायर थे, कवि थे, रचनाकार, लेखक, गायक, साहित्य के बड़े पंडित माने जाते थे और उनको फादर ऑफ कव्वाली भी कहा जाता है। और हिंदवी ये जो शब्द है, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो जी ने किया। इन्हें हिंद का तोता भी कहा जाता है। और इन्होंने इनकी हर रचना में, हर साहित्य में, हर कविता में, हर शायरी गज़ल में हिंदी और फारसी भाषाओं का संयुक्त प्रयोग किया है। तो गज़ल जो भी एक प्रकार है गाने का, तो वो इन्होंने ही शुरू किया। फाउंडर बोले तो भी चलेगा। तो और इनकी मृत्यु अक्टूबर 1325 में दिल्ली में हुई। और वो एक राजदरबार से अटैच थे। उन्होंने 8 सुल्तानों को देखा है। तो अमीर खुसरो की पहेलियाँ, इन्होंने हमें कई पहेलियाँ दी हैं, हमको वो सॉल्व करनी है। जैसे कि हम मराठी में बोलते हैं ना, कोड़ तो हम अभी इनकी पहेलियाँ पढ़ेंगे। आप देख सकते हो, धूपो से वह पैदा होवे, छाँव देख मुरझाए, ऐरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। तो इस पहेली का उत्तर है पसीना। धूपों से वह पैदा हो गए, धूप में पैदा होती है ना, पसीना धूप में ही आता है। छाँव देख मुरझाए, छाँव में तो नहीं आता। ऐरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। और जब उसको हवा लगती है तो वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, मतलब मर जाता है। तो इसका उत्तर है पसीना। तो ऐसी कुछ पहेलियाँ हैं, बहुत मज़ेदार हैं। तो ये सब अमीर खुसरो ने लिखी है ना। तो इन अमीर खुसरो का जो व्यक्तित्व के कई रंग रूप थे, भाषाएं भी उनके अनेक सीखी थी। और वे 13वीं शताब्दी में बलबन सुल्तानों और तुगलक सुल्तानों के समय में राजदरबारी के साथ रहे थे। साथ साथ वे हजरत निजामुद्दीन अवलिया के शिष्य थे। खुसरो ने 8 वर्ष की उम्र में ही अपना गुरु हजरत निजामुद्दीन अवलिया को मान लिया था। अभी भी दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के बगल में खुसरो का मज़ार है। खुसरो फारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे और वे संस्कृत भाषा भी जानते थे। फारसी के सुप्रसिद्ध कवि थे, किंतु उन्होंने कुछ रचनाएं हिंदी में भी लिखी हैं। इस समय उनकी लिखी हुई लगभग 40 पुस्तकें उपलब्ध हैं। ये रचनाएं पद्य हैं, गद्य हैं। खुसरो ने इनमें साहित्य, भाषा, इतिहास,
हज़रत निजामुद्दीन के उपदेश, पहेलियाँ, मुकरियाँ आदि कई चीज़ों को समेटा है। और यही नहीं, खुसरो ने खालिक बारी नाम से हिंदी फारसी का एक कोश भी तैयार किया था। इसमें तुकबंदी के द्वारा हिंदी फारसी और कुछ अरबी शब्दों के बारे में बताया गया है। संगीत के क्षेत्र में भी अमीर खुसरो का योगदान कम नहीं है। वे अच्छे गायक तो थे ही, उन्होंने कई राग और ताल भी तैयार किए हैं। यह माना जाता है कि सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। कव्वाली भी उन्हीं की देन है। अमीर खुसरो जैसी बहुमुखी प्रतिभा कम लोगों में होती है। अमीर खुसरो कवि भी थे, गायक भी थे, संत भी। उन्होंने हमको प्यार और आपसी मेल सिखाया है। तो चलो हम आज इनकी सब पहेलियाँ के उत्तर ढूंढते हैं, ठीक है। पहले का तो मिल गया, धूपों से वह पैदा हुए छाँव देख मुरझाए, ऐरी सखी मैं तुझे पूछूँ हवा लगे मर जाए, तो इसका उत्तर है पसीना। दूसरा, दूध में दिया दही से लिया, तो इसका उत्तर है खट्टा, खट्टा अम्बट, ओके। थर्ड, एक नारी के है दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग, तो यह है आटे की चक्की। एक नारी के है दो बालक, दो बालक मतलब जो दो पत्थर होते हैं ना, एक नीचे और एक ऊपर, तो एक फिक्स होता है, ऊपर का घूमता है। एक फिरे एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग, पर दोनों संग है, तो यह है आटे की चक्की। मिला रहे तो नर रहे, अलग होए तो नार, सोने का सा रंग है कोई चतुर विचार, तो इसका उत्तर है चना। मिला रहे तो नर रहे, अलग होए तो नार, अगर वो सब में मिला हुआ है, सब चने के साथ है, तो उसका जो उल्लेख है वो उल्लेख हम पुल्लिंग में करते हैं। अगर वो अकेला है तो स्त्रीलिंग में करते हैं। सोने का सा रंग है, सोने जैसा रंग है कोई चतुर विचार, तो इसका उत्तर है चना। नर से पैदा होवे नार, हर कोई उससे रखे प्यार, एक जमाना उसको खावे, खुसरो पेट में वह न जावे, मतलब धूप। नर से पैदा होवे नार, हर कोई उससे रखे प्यार, एक जमान उसको खावे, खुसरो पेट में वह न जावे, धूप। आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे से सबको मीठा, खुसरो आंखों आंखों दीठा। काजल, एक कहानी मैं कहूँ तू सुन ले मेरे पूत, बिना परों उड़ गया बांध गले में सूत, पतंग। सर पर जाली पेट से खाली, पसली देख एक एक निराली, मूढ़ा। मीठी मीठी बात बनावे, ऐसा पुरुष वह किसको भावे, बूढ़ा बाला जो कोई आवे, उसके आगे शीश नवाए। नाई, जो आपके बाल कटवाता है ना वो। पंसारी का तेल, कुम्हार का बर्तन, हाथी की सूंड, नवाब की पताका, दिया। टूटी टूट के धूप में पड़ी, टूटी टूट के धूप में पड़ी, जो जो सूखी हुई बड़ी, बढ़िया। घूम घुमेला
लहंगा पहने एक पाँव से रहे खड़ी, आठ हाथ है उस नारी के सूरत उसकी लगे परी। सब कोई उसकी चाह करे हैं मुसलमान हिंदू छत्री। खुसरो ने यह कही पहेली दिल में अपने सोच जरी। तो इसका उत्तर है छाता या छत्री। सावन भादो बहुत चलत है माघ पूस में थोरी, अमीर खुसरो यों कहे तू बूझ पहेली मोरी। तो उसका उत्तर भी मोरी ही है, नाली बोलते हैं ना उसको। बीसों का सिर काट लिया ना मारा ना खून किया, ना खून बीस उंगलियां होती है ना। जल जल चलती बस्ती गांव, बस्ती में ना वाका टाँव, खुसरो ने दिया वाका नाव, बुझ अरद नहीं छोड़ो गांव। तो इसका उत्तर है नाव, पानी में चलती है ना वो नाव। तो ये सारी पहेलियाँ हमने सारी पहेलियों का उत्तर दे दिया है। तो अगले लेक्चर में हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।